ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चाइना डिश के अंदर अगर आप 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लेते हो और उसको हीट करते हो तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन हमें दिखती है, तो जो हमारा सरफेस है कॉपर पाउडर का, अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो ब्लैक कलर का हमें दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ब्लैक कलर क्यों है, कि कहाँ से ये निकला। तो अगर आप कॉपर के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे साइमल्टेनियसली तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इसकी रिएक्शन क्या होगी, 2Cu+O2। अगर आप इसको हीट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा 2CuO। अब इसी तरह से अगर आप इस मटेरियल जो आपका बना CuO प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो जो हमारा ब्लैक कलर की कोटिंग थी वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाएगी, और इसे हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। और इससे हमारे पास कॉपर दोबारा हमारे पास बन के निकलेगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, CuO+H2। अगर आप इसको हीट करेंगे तो Cu+H2 निकलेगा, पानी और Cu आपके पास रिएक्शन से निकलेगा। अब अगर कोई सब्सटेंस है जिसे आप ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ले रहा है तो उसे हम ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। इसी तरह से इसका रिवर्स, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है उसको हम, उस सब्सटेंस को हम रिड्यूस्ड बोलेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आप रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे क्या हमारे पास है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। अब इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास 1.29 है, ये वाली रिएक्शन, इसके अंदर जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है, और इसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज्ड बोला है। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसी का दूसरा नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, इसी का दूसरा नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि ऑक्सीडेशन और जब रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं किसके, रिडॉक्स रिएक्शन के, जहाँ पे आप देख सकते हैं ZnO+C गिव्स यू Zn+CuCO, और दूसरा क्या है MnO2+4HCl गिव्स यू MnCl2+2H2O+Cl2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये क्या है, दोनों बैलेंस्ड हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास मेन आता है कि हमें इसके अंदर देखना क्या है। अब जो हमारे पास 1.31 है, इसके अंदर हमने नोटिस किया जो कार्बन है हमारा, आप देख रहे हो कि कार्बन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन को हमने क्या बोला, ऑक्सीडाइज्ड। और उसी तरह से जो ZnO है वो ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला कि जो ZnO है ये रिड्यूस हो रहा है, और ये हमारा क्या है, एक टाइप से ZnO हमारा रिड्यूस हो रहा है किसके अंदर, Zn के अंदर। अब जो हमारा 1.32 रिएक्शन है, 1.32 के अंदर MnO2+4HCl गिव्स यू MnCl2+2H2O+Cl2। इस रिएक्शन के अंदर HCl जो है, जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 के अंदर, और दूसरी तरफ जो MnO2 है, वो किसके अंदर रिड्यूस हो रहा है, MnCl2 के अंदर, किसके अंदर, MnCl2 के अंदर। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या फिर कहें रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे एग्जांपल भी देखे और हमने समझा कि इसमें कैसे क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, तो जब कोई मेटल किसी, मतलब मॉइस्चर या एसिड के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। ये आयरन का होता है, कॉपर का होता है, सिल्वर का होता है। अब अगर आपने नोटिस किया हो, जो कई बार सिल्वर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, उसको हम कोरोजन के अंदर काउंट करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारे कॉपर के सब्सटेंस है, इसके कॉपर के, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो काफ़ी ओल्ड होते हैं घरों के अंदर भी, जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग सी दिखाई देती है, वो उनका उस टाइम कोरोजन हुआ होता है। उसके अंदर जो हमारी ग्रीन है वो कोरोजन को इंडिकेट कर रही है, और इसी तरह से सिल्वर के अंदर जो हमारी ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, और हमारा आयरन रस्ट हो जाता है, ठीक है। अब कोरोजन के डैमेज क्या क्या है एक बार ये देख लेते हैं।
कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। आयरन के स्पेशली कोरोजन काफ़ी डिग्रेड कर देता है आयरन के मटेरियल्स को। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन अनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें क्या है वो है रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। रेंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आइए इसको एक बार रीड करते हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप मटेरियल्स को कैसे बचा सकते हैं, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करना। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। दूसरा मेथड है हमारे पास, जो हमारा फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर अगर आप पैक करेंगे तो वो स्लो डाउन कर देता है इसको, ऑक्सीडेशन को। तो डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। एक और चीज़ है कि जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उसको नाइट्रोजन गैस के साथ भरते हैं, ताकि जो हमारी प्रिवेंशन हो सके चिप्स का, ताकि फूड हमारा रेंसिडिटी का शिकार ना बने और उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th केमिस्ट्री का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और इसके पार्ट जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं उनको ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। सब्सक्राइब।